बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट्स ओपिनियन। दिस इज़ मी शुमाइला न्यास। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले जो कल का वाकया है, कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया है दहशतगर्दों की जानिब से, जिसे जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है। चार के चार दहशतगर्द इसमें हलाक हो गए हैं और बड़े मजमूम अजाइम थे उनके, और काफ़ी प्लानिंग की गई थी उनकी जानिब से, और उनके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं खाने पीने के हवाले से, उनका प्लान ये था कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वहाँ पर काम करने वाले लोगों को जो है वो यरगमाल बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी वापसी का कोई प्लान नहीं था। हम खराज अकीदत पेश करना चाहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में अपनी तमाम पाकिस्तानी फोर्सेस को कि उन्होंने जो है वो इन दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को नापाक किया है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ आपसे करवाना चाहूँगी कि हमें प्रोग्राम में जो है वो ज्वाइन कौन कौन कर रहे हैं। इम्तियाज़ बड़ाई साहब हैं हमारे साथ, तजियाकार हैं, और इन्होंने ज्वाइन किया है हमें स्टूडियो में, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, और स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे अहमद रज़ा कसूरी साहब। डॉक्टर बिशाल साहब हैं हमारे साथ स्काइप पे, और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब दिफाई तजियाकार हैं, ये भी हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पर। पहले सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल मैं आपसे करूँगी डॉक्टर बिशाल साहब, जिस तरह से मैंने अभी कहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अभी बात की गई है, क्या समझते हैं कि ये जो हादसा है ये दोबारा से जो है वो दहशतगर्दों के एक ग्रुप को जो है वो मुनज़्ज़म करने की तरफ जो है वो इशारा है? आपने जिस तरह के बताया, ये जो हमला हुआ है इसकी पहले से इतला थी, और आपको याद होगा कि अभी दो हफ्ते पहले जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे ISI हेडक्वार्टर्स में, वहाँ उनको ब्रीफिंग दी गई थी, उनको बताया गया था किस तरीके से हिंदुस्तान जो है अब पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की नई जो है लहर लेकर आने का उसने तैयारी कर ली है। उसके लिए वो इस्तेमाल करेगा बलूचिस्तान के ग्रुप्स को, उसके अलावा जो है कराची में डिफरेंट जो उसके ग्रुप्स हैं जो कि बरतानिया में बैठे हुए हैं, वहाँ से हिदायत लेते हैं, उनको इस्तेमाल करके और ट्रेन करके और वो ये कार्रवाइयाँ करेगा। आपने देखा पिछले चंद दिनों पहले रेंजर्स के कुछ जो है गाड़ियों पर हमले हुए, कुछ हमारे जवान शहीद हुए, और अब ये हमला किया गया, इसकी भी इतला मौजूद थी पहले से। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा बहादुरी जो दिखाई है वो उन लोगों ने दिखाई है जो कि वहाँ पे गेट पर पहले से मुतय्यन थे, उसमें पुलिस के लोग थे और प्राइवेट सिक्योरिटी के एहलकार थे। बिल्कुल, इन चारों दहशतगर्दों को मार दिया। ये खुशकिस्मती आप समझिए कि ये ज़्यादा जो है ट्रेंड नहीं थे, ये ट्रेंड कमांडोज नहीं थे, क्योंकि ये लाइक सिटिंग डक्स थे कि इनको बड़ी आसानी से जो है गोलियों को निशाना बना दिया गया। अगर खुदा न खास्ता ये वहाँ से बिल्डिंग में दाखिल हो जाते स्टॉक एक्सचेंज की, तो हमारी इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता और स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती, जो कि इंटेंशन थी हमारे दुश्मनों की कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को यरगमाल बना लिया जाए, वहाँ पर जितने लोग हैं उनको यरगमाल बना लिया जाए और उस बिल्डिंग को बाद में तबाह कर दिया जाए। इस कदर वो असलाह लेकर आए थे, वो ग्रेनेड्स उनके पास थे, रॉकेट लॉन्चर लेकर आए थे, लेकिन वेल ट्रेंड नहीं थे। इसके बाद जो हमले हो सकते हैं वो हो सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कमांडोज भेजें। हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। देखें जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उन पर बाकायदा सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए, और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने जिस तरह काम किया है, अब ये भी है कि जितनी भी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं उन लोगों की भी चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी खुद जो है वो, क्योंकि जितनी देर में रेंजर्स और पाक फौज और पुलिस जो है वो आती है, इतनी देर में तकरीबन अपनी कार्रवाई खत्म करके और वो जो है अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं। डॉक्टर बिशाल साहब, आप इशारा कर रहे हैं कि ग्रुप जो है वो मुनज़्ज़म हो गया, आपका जवाब हाँ में है? जी मैं आप जो है वो इम्तियाज़ बड़ाई साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्या समझते हैं आपके दोबारा से दहशतगर्दों का जो ग्रुप है वो मुनज़्ज़म हो गया? देखिए जी, मैं इसको दूसरे एंगल से जरा लूंगा। देखिए बात ये है कि आपको ये पता ही है कि मियां नवाज़ शरीफ जो है, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, उनके रिलेशनशिप जो है मोदी साहब के साथ कैसे हैं, जिंदाल के साथ कैसे हैं, और उसके बाद जो कुछ की चीज़ें निकलती रही आपने देखा होगा, और हमने देखा कि माजी में जब भी कभी मुश्किल टाइम आया आपने देखा कि LOC की जो खिलाफवर्जियाँ थी बढ़ जाती थी उसके अंदर। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त स्टेट पर पाकिस्तान तो है टारगेट पे है ही है इंडिया के, और चूंकि एक तरफ सी पे आया क्या, दूसरा चाइना ने उनके क्या कहते हैं उनको दंदान शिकस्त दी है अभी तक लद्दाख के अंदर, ये सारी सिचुएशन थी। इसी सेम डे बजट पेश हो रहा था आपने देखा, अब इसको आप देख रहे हैं ये कोई इंसिडेंस नहीं है, ये बल्कि बाकायदा एक प्लान तरीका है मैं समझता हूँ। अब इसके अंदर उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे हट किया, जो कि आपने देखा कि मुआशी हब होता है हमारा, हर मुल्क का हब होता है, जहाँ पे जो इकानमी जो है हमारी वो उसके ऊपर वो उसको गेज किया जाता है, उसी दिन बजट पेश हो रहा है जी। और उसके साथ साथ आप देखें कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, सियासी ग्रुपबंदी हो रही है, उसके अंदर आपने देख लिया कि अख्तर मेंगल साहब जो है
वो उससे पहले कुछ दिन पहले सेपरेट हो गया और फिर बीएलए ने उसकी आपने देखा जिम्मेदारी कबूल कर ली है। जी जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब एक प्लान्ड तरीका है। असल टारगेट जो है इस वक्त पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन मेरा ख्याल पीटीआई गवर्नमेंट है जी, क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से वो चाह रहे हैं कि डिस्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी कोलिशन गवर्नमेंट है और कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा आपको पता वीक गवर्नमेंट होती है, चूँकि अदद अक्सरियत उनके पास होती नहीं है। और इसमें आपने देखा कि एक कोलिशन पार्टनर चले गए हैं जो उनके साथ थे और दूसरी जो है वो पैसे लड़के बैठे हुए पीएमएलक्यू वाले, और हमने देखा इशाइया के अंदर वो आए नहीं, उन्हें सेपरेट करके इशाइया कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेन चीज़ ये था कि इसको प्रेशर में लाया जाए, मजीद जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो भी ये महसूस करें कि भाई ये तो जा रहे हैं और इसके अंदर डिस्टेबलाइजेशन होगी मुल्क के अंदर। और अब जो ना अब मैं जो देख रहा हूँ इसके अंदर वो तो बाद में अगर आपका सियासी सवाल है उसके मैं जवाब दूंगा, लेकिन ये है कि इनके स्लीपर सेल हर वक्त मौजूद होते हैं, कराची हब है उनका, एमकेएम के साथ जो रिलेशनशिप उनके रहा है इंडिया का वो तो आपने देखा कई बयान आए हैं जहाँ पे उनको फंडिंग भी की गई है और उसके बाद उनको ट्रेन भी किया गया है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि अनवर जो थे जो यूके के अंदर उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने बड़ा क्लियर इसको एडमिट किया और कन्फेस किया इसको कि उनको फंड वहाँ पे आते थे, ट्रेनिंग होती थी, सब कुछ होता था। तो ये स्लीपर सेल जो ये हर जगह मौजूद होते हैं, हर इंटेलिजेंसी जो उसको तैयार करके रखती है। राइट साहब, ये कहिएगा कि क्या समझते हैं कि अब दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो दोबारा से सर उठाने लग गई हैं? नहीं, जाहिर वो ऐसे टाइम है ना ऐसा, वो तो उठाएंगी, कोशिश करेंगी। जी, वड़ाई साहब का जवाब भी जो वहां में आ गया है। तहसीन, जो सहूलतकार हैं इस हवाले से भी अभी तक जो है वो तहकीकात चल रही हैं, इसके अलावा जो है वो गाड़ी जो है वो किराए पर ली गई, इसी हवाले से मैं अहमद रजा कसूरी साहब से भी यही सवाल करना चाहूंगी। सर, क्या समझते हैं कि एक बार फिर से क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार बनने जा रहा है और तंजीमें जो हैं वो दोबारा से सर उठा रही हैं क्या? उनकी ये कंटोनमेंट से या हाइड आउट से टेररिस्ट के साउथ अपना जो वजीरिस्तान एंड नॉर्थ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान में भी शहाल की वैली जो थी अपनी, दैट वाज मोस्ट डिफिकल्ट एरिया जहाँ इनकी कंट्रोलमेंट थी, इनकी असले की डंपिंग ग्राउंड थी, ट्रेनिंग ग्राउंड थी। वो चीज़ें तो पाकिस्तान ने अपने बड़े जफाशकश तरीके से और एक पूरा तंजीमी फौजी ढांचे के जरिए उसको वहाँ से फ्लैश आउट कर दिया है। इनको कहते हैं स्लीपर सेल्स, स्लीपर सेल्स हैं जो दाएं बाएं मुल्क के डिफरेंट जगहों पर अभी एक्टिवेट होते रहते हैं। बात यह है जी कि ये जो सारा जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं कोल्ड स्टार्ट वॉच भी। इस कॉन्सेप्ट को दिया अजय देवाल ने, जो कि उनके रॉ का उनका डायरेक्टर है, एंड अजय देवाल इसको अजय देवाल डॉक्ट्रिन भी कहते हैं कि भाई बजाय अपना आप कन्वेंशनल वॉर वाला लड़े, आप मुल्क को अंदर से इतना डिस्टेबलाइज कर दें, खास तौर पर इकोनॉमिकली उनको इतना मफरूज कर दें कि वो फौज का जो बोझ है वो मुल्क उठा ना सके। आपके सामने मिसाल है सोवियत रशिया ओवरस्टेड इन अफगानिस्तान, तो फिर क्या हुआ, सोवियत रशिया फेल अंडर इट्स ओन इकोनॉमिक वेट और सोवियत रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया और 6-7 जो थी सेंट्रल एशिया की जो थी रास्ते वो आजाद हो गई। तो चीज ये है कि जंग लड़ने के लिए एक वायबल एंड डायनेमिक इकोनॉमी की जब तक बैकअप सपोर्ट ना हो तो मॉडर्न जंगें नहीं लड़ी जाती। तो इसलिए इनका जो टारगेट जो था स्टॉक चेंज यही था कि मुल्क में ऑलरेडी इनके इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो जब आप हिट कर देंगे इनके एक इतनी मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उससे जो सिग्नल जाएंगे आउटसाइड वर्ल्ड को बड़े नेगेटिव जाएंगे। ये तो अपने जो अदारों को ही इनकी जो है सिक्योरिटी जो है संभाल ही सकती है। तो मैं समझता हूँ आप ही है उन प्राइवेट गार्ड्स के और वो जो पुलिस वाला जो था who are not trained to deal with the terrorist तंजीमों को डील करने के लिए ट्रेन, लेकिन उन्होंने अपनी जानों से पर खेल कर जिस तरह उन्होंने उनको रोका है, मैं समझता हूँ कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है ये अब काम है अपना किसका स्टॉक एक्सचेंज वालों का कि उनकी फैमिली के जो बच्चे बच्चे हैं उनकी फाइनेंशियल उनको असिस्टेंस दे के उनको अपने पैरों पर खड़ा करें, अगर कोई वो जॉब
की एज में है, तो उनको उन अपने पापों की जगह उनको जॉब दें थी। और इसी तरह वो जो पुलिस वाला जो था वो वाज अबाउट टू बी रिटायर्ड, मैं समझता हूँ ये बड़ा आफरीन है इनको, और मैं समझता हूँ इनको जो है मिलिट्री, इनको मिलिट्री अवार्ड भी देना चाहिए, ताकि देखें जो कौमें अपने हीरोज की इज्जत और एहतराम नहीं करती वो हीरोज पैदा नहीं कर पाती है। तो चीज है कि ये हमारे इस जो इवेंट है जिसमें के दिशमत का मकसद था कि आपके इकोनॉमिक निजाम को टोटली पैरालाइज कर दिया जाए और वो अंदर आके बैठ जाते और तमाम के तमाम जो वो अपना हेलो सर कहिएगा कि क्या समझते हैं ये वाकया जो है वो आप समझते हैं कि दोबारा से उठा रहे हैं। इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ सर, सर माजरत करता हूँ हमारे पास वक्त थोड़ा कम होता है, भाई नाम जवाब दीजिएगा। They are our national heroes. We should show them all the respect and dignity which they richly deserve. और दुश्मन का हमने एक वॉर जो है उसको थ्वार्ट कर दिया, उसको पुश डाउन कर दिया है, लेकिन that doesn't mean I agree with your guest to see कि there can be another wave. तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सर बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि जो दहशतगर्दी तंजीम है वो फिर से सर उठा रही है, जो टफर है उसको ज़रा और टाइट करना चाहिए, उसको और टाइट करना चाहिए। सर हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, दहशतगर्दी तंजीमें जो है वो सर उठा रही है फिर से, हाँ या ना जवाब दीजिएगा। अभी उठा रही है लेकिन जी अब हम आएंगे डॉक्टर सज्जाद, क्या समझते हैं डॉक्टर साहब आप? जी पहले तो बहुत शुक्रिया, और स्टूडियो में आपने हमें एज ए गेस्ट बुलाया और थोड़ी आपने ताखीर के साथ अब मेरे पास आई है विच इज़ टोटली अनफेयर, चलें खैर कोई बात नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात एडमिट करना चाहूँगा, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, मेरा बड़े अच्छे दोस्त भी हैं वड़ाइज साहब। वड़ाइज साहब ने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से ही नवाज शरीफ की तरफ उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाते हुए ये कहा कि ये नवाज़ शरीफ के ताल्लुकात पता नहीं इन्होंने कहाँ से जोड़ लिया वड़ाइज साहब ने, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई है। वी आर टॉकिंग अबाउट टेरर अटैक एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टेररिज्म इन पाकिस्तान, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, और इसके पसे पुश्त मुहर्रिकात की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये फिर मोदी की यारी और नवाज़ शरीफ के साथ जोड़ना नज़रियाती और सियासी वाबस्तगी एक अलहदा चीज़ है, मैं उससे बात नहीं करूँगा, उन तमाम चीज़ों से मुबर्रा होकर हमारा एनालिसिस होना चाहिए, और वड़ाइज साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन ओपिनियन जो है वो मेरा बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। मुझे ये तमाम तर बातों की समझ आ रही है, जिस तरह अभी कसूरी साहब ने भी फरमाया और उन्होंने कहा कि जो इसमें शहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उन्हें एजाजात से नवाजना चाहिए, और जो इसके गाजी हैं ख़ास तौर पर ये जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है सिंध गवर्नमेंट की, तो इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर लिया जाए, कोई बात नहीं है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर सिंध हुकूमत की जानिब से रैपिड रिस्पांस फोर्स जो वहाँ पे तैनात की गई थी, अगर उसने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किए कांस्टेबल खलील और मोहम्मद रफ़ीक और जो उनमें शहीद एक पुलिस शाहिद अली हैं उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरी बात को ज़रा गौर से आप सुनिएगा और इसे समझने की ज़रूरत है। बारहा मैं मुख्तलिफ फोरम्स पर अपने टॉक शोज़ में ये कह चुका हूँ कि खुदारा खुदारा मकरान डिवीज़न को क्लियर करें, खुदारा कलाथ डिवीज़न को क्लियर करें, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जहां पे आप बीएलए की बात करते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी के हैर ब्यार मरी के साथ आप इसके ताने बाने जोड़ रही हैं, बरामदा बुकटी के साथ आपके या फारूक मैंगल के साथ आप इनके ताने बाने जोड़ रहे हैं, हमने तो दहशतगर्दों की कमर तोड़ ली थी, ये दहशतगर्द दोबारा से सर उठा रहे हैं, ये आपका सवालिया निशान है, ये सवाल नहीं है, ये हमारे लिए एक अलमिया है कि जिन दहशतगर्दों की हमने कमर तोड़ दी, उनके स्लीपर सेल्स का हमने खात्मा किया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए, फिर हमने रद्दुल फसाद किया, फिर हमने ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो है उसके ज़रिए कामयाबियों से हमकिनार हुए। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है इसका आप क्यों जिक्र नहीं कर रही हैं? मुझे ये बताएं कि जब आपको पहले से इतलात मौजूद थी तो आपने रैपिड रिस्पांस फोर्स को रखना था, क्यों वहाँ पर आप लोगों ने जो है बाकायदा तौर पर इसमें सिंध गवर्नमेंट भी बराबर की शरीक है, क्योंकि एक उनकी भी होम मिनिस्ट्री मौजूद है वहाँ पर, इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी ये सवाल किया जा सकता है कि आप खुद ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह की इतलात थी कि कोई इस तरह का अटैम्प्ट होने जा रहा है, कोई देखिए इससे पहले चाइनीज़ कौंसलेट में कराची में हुआ, कराची में पैदर पे वाकयात हुए, और वड़ाइज साहब ने MQM एक मिनट प्लीज़ वड़ाइज साहब ने MQM का भी जिक्र किया कि विद द हेल्प ऑफ MQM क्योंकि उनके माजी के ताने बाने जुड़ते हैं। तो मुझे ये बात बताएं कि MQM के इत्तेहादी कौन है? ये सजा साहब एक और बहस हो जाएगी,
हमारा सवाल यह है आपसे कि क्या आप समझते हैं कि ये जो वाकया है ये दहशतगर्दी की तंजीम है इसको ऊपर उजागर कर रहा है, अपनी दहशतगर्दी जो तंजीमें हैं वो इसको ऊपर लेके जा रही है? ये दहशतगर्द अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। मैं अगर कोई ये कहता है, ये समझता है कि ये दोबारा से सर उठा रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ये इन्होंने एक बुजदिलाना कार्रवाई की है, ये सर दोबारा नहीं उठा सकेंगे। इनका बुरी तरीके से हमारी फोर्सेज ने जो है इनको नहीं मुझे जवाब आ गया। यही सवाल जो है वो मैं दिफाई तज्जिया का जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से करूंगी। सर क्या समझते हैं आप इस हवाले से? देखिए दहशतगर्द तंजीमें जो है ये मुनज़्ज़म नहीं हो सकती क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, इनके बहुत सारे नेटवर्क जो है वो पकड़े भी जा चुके हैं। दूसरी तरफ ये है कि जब इनका एक नेटवर्क पकड़ा जाता है तो नया नेटवर्क एस्टेब्लिश करने में कुछ वक्त लगता है, चुनाचे आप देखते हैं कि कुछ देर के लिए अमन आ जाता है, वाकयात हो जाता है। तो आप अगर इस चीज का मुनज़्ज़म होने की बात अगर आप करें तो उसको कंपेयर कर लीजिए कि आज से 4-5 साल पहले यहाँ पाकिस्तान में टेररिज्म की क्या हालात थे। सही। यानी रोजाना एक आध वाकया होता था और अब ये है कि ये कराची में एक वाकया 2018 गालिबन नवंबर में हुआ था या अक्टूबर में, जो चाइनीज कौंसल खाने पर हमला हुआ था, और दूसरा बड़ा वाकया अब हुआ है एक साल और तकरीबन आप कह लीजिए कि 6-7 महीने के बाद, यानी 1.5 साल के बाद एक दूसरा वाकया हो रहा है। तो 1.5 साल दरमियान में आपने देखा कि कराची में तो ऐसी चीज नहीं हुई। तो एक आपका टारगेट किलिंग वाला तो वो आपको पता है, यहाँ पे सियासी जमातों के भी लोग हैं, वो ऐसे वाकया तो हो सकते हैं कि इस पर गोली चला दी, बस पे चला दी, लेकिन ये एक पूरा टेररिज्म का वाकया था जो मेरा नहीं ख्याल के लिए ग्रो इतने मुनज़्ज़म है कि ये फ्रीक्वेंटली ये काम कर सकें, ये नहीं हो। सही सर, आपका जवाब जो है मेरे पास आ गया है कि ये ग्रुप जो है वो इतना मुनज़्ज़म नहीं हो रहा है, इनका जवाब नामे आ गया। अगले सवाल की तरफ आऊंगी। दूसरी जानब वो ये है कि कल कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी की जानब से बड़ी ताबड़तोड़ तकरीर की गई है और बड़ा वो अपने कायद के हवाले से बात कर रहे थे कि किसी के कहने पर इस्तीफा इमरान खान साहब जो है वो नहीं देंगे और हम ने इमरान खान साहब को अवाम ने इसलिए इलेक्ट किया है कि वो नोटिस लें हर चीज़ का। क्या मैं सवाल मेरा पैनलिस्ट से यही है, क्या आप लोग समझते हैं कि इमरान खान को अवाम का एतमाद जो है वो हासिल है? डॉक्टर बशारत साहब आपकी तरफ सवाल पुट करूंगी, क्या समझते हैं इमरान खान साहब को अवाम का जो है वो एतमाद हासिल है? एतमाद तरह के इलेक्ट हुए थे अवाम के वोट से, लेकिन पिछले 2 साल में जो उनकी पॉलिसीज रही हैं उसमें ज़्यादातर उन्होंने जो किया है वो हर चीज़ की कीमत बढ़ाई है, जिसमें कि एनर्जी स्पेशली शामिल है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एनर्जी उन्होंने इतनी महंगी की है कि अब आपकी जो इंडस्ट्री है वो कम्पिटिटिव नहीं रह गई इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बाद आपका जो कंज्यूमर है वो उसके घर में अगर एयर कंडीशनर लगा हो वो उसको ऑन नहीं कर सकता क्योंकि इतना महंगा आपने पावर को कर दिया, और गैस अभी और महंगी होने जा रही है। आपके ऊपर जो इस वक्त 2.2 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है, वो सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए ये प्लान लेकर आए हैं असेंबली में इस हुकूमत के लोग और इस मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के लोग के, ये सारा का सारा बोझ अवाम पर डाल दिया जाए और उनसे रिकवर कराया जाए, ना कि बजाय इसके कि करते कि चोरी पकड़ते जो बिजली की इतनी चोरी होती है। और ये जो इतना कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं इन्होंने 36,000 मेगावाट इस वक्त लगाए हुए हैं और उसके बाद इनके तकरीबन 35-36 जबकि इनकी आटा इतना महंगा कर दिया गया। इन्होंने ये किया है कि जो मिडिल क्लास है उसे बिल्कुल क्रश कर दिया है, जो लोअर क्लास है उसको ये ले आए लंगर खानों के ऊपर, उसको इन्होंने अरबों खरबों रुपए की सब्सिडीज दी हैं। तो अब आप खुद आपके सामने है कि क्या आवाम इनके साथ है और क्या आवाम इनके साथ होंगे जब भी दोबारा आवाम के पास जाएंगे। मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने मिडिल क्लास का तो बिल्कुल बड़े गर्क कर दिया है, अगर कुछ दिया है इन्होंने लंगर खाने और ये एहसास प्रोग्राम के जरिए बिल्कुल जो लोअर क्लास है उसको दिया है, या फिर जो सुपर रिच है उनको इन्होंने और अल्ट्रा रिच बनाया है, उनको इतनी सब्सिडीज दी हैं इस कदर खरबों रुपए के, उनको बेल आउट दिए हैं। तो मिडिल क्लास को इन्होंने बिल्कुल क्रश किया है। मिडिल क्लास में प्रोफेशनल आते हैं, इन्होंने एक प्रोफेशनल नहीं लगाया, जो इनके पास जितने भी एडवाइजर्स लगे उसमें एक भी कंपटीशन के बाद नहीं आया, वो जो है इश्तहार देकर नहीं उसको रखा गया, अपनी पसंद के अपने जाती दोस्त, अपने दोस्तों के दोस्त, अपने दोस्तों के यार सिफारिशी, वो लोग हर तरफ हर डिपार्टमेंट हेड लगाए
अपने तमाम जो इन्होंने एडवाइजर्स लगाए हैं वो इसी तरह लगाए, अमेरिका से डायरेक्ट लाकर उनको एडवाइजर की पोस्ट पे लगाया है। क्या क्वालिफिकेशन है उनकी? यानी आपका तो जवाब ही आ गया हमारे पास सामने के इमरान खान साहब को जो है वो आवाम का एतमाद हासिल नहीं है। इम्तियाज हुसैन भाई साहब क्या समझते हैं आप? देखिए इसमें मैं अभी अगर इसी प्रोग्राम के मेरे पिछले जो जज में आता रहा हूँ अगर निकाल के देखें तो उसमें मैंने कहा था कि 30 जून 2020 तक टाइम है पीटीए के पास। देखिए खाली गर्म तकरीरें करने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नीड ऑफ परफॉर्मेंस। आप शुरू से इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देख लें कि शुरू से आप देखें जब कीमतें बड़ी गैस की कितनी बढ़ा दी, फिर उसके बाद ओवर बिलिंग की गई वो एक क्राइसिस आ गया, फिर उसके बाद आप देखें कि जब दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी गई वो भी बाद में फिर वापस नहीं आ सकी, फिर उसके बाद अभी आ जाएं आप कभी तेल का बहरान चल पड़ता है, तेल प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, पेट्रोल जो है उसकी कीमतें आपके सामने अभी इमीडिएटली उन्होंने 25 रुपए बढ़ा दिया पेट्रोल के ऊपर। इसी तरह अगर आप देखें कि इनके पास जो आप फ्लोर का है, आटे का है, चीनी का है, कौन कौन सा मैं जिक्र करूँ, तो इनका जो 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 प्रॉब्लम है वो जो मिसमैनेजमेंट है इनकी जो कह लें और कंपिटिटिवनेस या इनका जो कॉम्पिटेंसी है वो बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। इनके पास बंदे ही कोई नहीं है और वो बंदे जो बाहर से इंपोर्ट करके लाए हैं इधर उनको पाकिस्तानी कल्चर का पता नहीं है, और उसके बाद फिर ये कि ना तो वो उनको पता है कि यहाँ के मसाइल क्या हैं ग्राउंड लेवल पे, अवाम जो पिस रहे हैं। ये डॉक्टर बशार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस वक्त जो है आम अवाम पिस गिरा है, जिसकी तनख्वाह 25,000-30,000 है वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, वो गैस के बिल दे नहीं पा रहा, उसके लिए बड़ी बड़ा उसके लिए मसाइल हैं। इसके अलावा वो तालीम के खराजात कैसे पूरे करें, तो मैंने पहले बताया था। अब ये जो मैं जो कंक्लूड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब 30 जून आ गया है, आज 30 जून है, बजट आ चुका है, बजट भी एक रूटीन बजट है, उसके अंदर कोई ऐसी क्रिस्मेटिक चीज़ कोई नहीं नज़र आई, और जो अभी तक जो वादे किए थे उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अब मुझे ये डर है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड कि अगर कल कलाकों को एक मुनज्जम जो है जैसे पहले धरना मौलाना फजल मान ले आए थे, इस तरह कोई अगर एक्टिविटी होती है तो अवाम जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और अगर अवाम रोड्स पे आ गए और अवाम रोड्स पे क्यों आएंगे, वो अपने मसाइल की वजह से आएंगे, ठीक है। और पीटीआई ने चूंकि बुरी तरह उसको मायूस किया, अभी तक जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इस लिहाज से ये मैं समझता हूँ कि ये खाली तकरीर करने का कोई फायदा नहीं है। और अवाम जो है इस सिचुएशन आप देख लेना, इत्तेहादी जो है उन्होंने भी एक मौका होता है ना, अब जो भी जो चेंज आ रही होती है वो रिफ्लेक्ट कर रही थी किधर जा रही सिचुएशन, तो सिचुएशन जो है पीटीआई के लिए अच्छी नहीं है। इनके पास महीना दो महीने हैं, इसके अंदर ये कोई ना कोई कंक्रीट स्टेप ले लें तभी इनके पास ये जो है, मैं समझता हूँ कि ये आगे सही है। महीना दो महीने वाली बात कौन सी की है आपने, इसमें क्या राज है? वो इसलिए कि देखिए ना, अब ये जो आउटकम आ रहा है इस वक्त आपके सामने है, आपके जो इत्तेहादी है वो सेपरेट एक तो हो गए हैं, ठीक है अख्तर बेगल साहब, उसके बाद काफ लीग ने क्लियर अपनी इंडिकेशन दे दी है, उन्होंने सपोर्ट तो कर दिया बजट के अंदर, तो सिचुएशन ठीक नजर नहीं आ रही जब तक परफॉर्मेंस ना देंगे। आपको भी लगता है कि आवाम का एतमाद इमरान खान साहब को हासिल नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल थी। बिल्कुल सही। सेम क्वेश्चन जो है वो मैं अहमद रजा कसूरी साहब से करूंगी कि सर क्या समझते हैं इमरान खान को आवाम का एतमाद हासिल है या नहीं? देखिए जब हाई सी के ऊपर अपना शिप डूबने लगता है तो सबसे पहले जो भागते हैं वो चूहे भागते हैं दीदी, तो इसी तरह ही जब कोई गवर्नमेंट डामाडोल होने शुरू हो जाए और उसके गिरने के जो हैं इंडिकेशन सामने आने शुरू हो जाएं, तो सबसे पहले उसके जो होते हैं इत्तेहादी जो वो अंदर बैठे होते हैं ना, तो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो पहले वो सबसे पहले वो भागते हैं और वो सेफर ग्राउंड पर जाके खड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के पास दो ही स्लोगन थे, एक तो था कि मुझे आई इनहेरिटेड दिस ट्रिपल्ड इकोनॉमी स्थिति, अब वो दो साल ये दो चार महीने तो ये अपना जो था स्लोगन ये चलता रहा, लोगों ने सुन भी लिया और टाइप भी की यस यू गॉट ए ट्रिपल्ड इकोनॉमी, लेकिन दो साल गुजरने के बाद जो है अब लोग इस आर्गुमेंट को और इस नारे को सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल सही। तो चीज ये है कि फिर अपना कहा गया कि हम अपना 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, अभी तक किसी एक घर की कोई एक ईंट भी नहीं लगाई गई और दो साल गुजर गए। देखें कि जब गवर्नमेंट आती है तो उसका जो पहला 90 दिन होते हैं उसको कहते हैं हनीमून पीरियड। अब हो हनीमून पीरियड में जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है
वो अपनी जो पॉलिसी जो उन्होंने 5 साल तक पाया तकमील तक पहुंचा के पहुंचानी होती है, उसकी जो पॉइंटर्स हैं वो पॉइंटर्स लग जाती हैं, और उस पर पॉइंटर्स को देखने के बाद उनका जो वोटर है जिन्होंने उसको उस प्रोग्राम पर वोट दिया होता है, उनको तहम्मुल और सब्र आ जाता है कि ये जो 90 दिन में यहाँ पहुंचे हैं तो ये अगले 5 साल में वहां तक बिल्कुल कंफर्टेबली पहुंच जाएगी। अब यहाँ 2 साल गुजर गए हैं, आपको कहीं इनकी पॉलिसी पॉइंटर्स और उसका जो ग्राउंड रियलिटी है वो कहीं नजर आपको नहीं आ रही। एक फिर आपके पास टीम बड़ी कमजोर है। देखें, क्राइसिस जब हो, जब हिंदुस्तान में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, आपको पता है कि सर विंसेंट चर्चिल उससे पहले को 25-30 साल से रेगुलरली मेंबर पार्लियामेंट आ रहा था, बट उसको नोबडी वो टेक जब उसने ट्राई किया और उसकी जो पहली तकरीर थी और उसको ऑपोजिशन ने कहा कि मिस्टर चर्चिल व्हाट डू यू ऑफर टू द नेशन एंड ही सेड आई डोंट ऑफर यू एनीथिंग एक्सेप्ट स्वेट टीयर्स एंड मिजरीज एंड डिफिकल्ट टाइम अहेड अनलेस द ग्रेट ब्रिटेन रिवाइव इट्स ग्रेट एंग्लो-सैक्सन ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशन ऑफ मैग्ना कार्टा एंड द बिल ऑफ राइट वी कैन नॉट सर्वाइव। द पोजिशन ये है कि इमरान खान के पास जो टीम है वो बिल्कुल बेकार है, और कई तो जो बार बार आ रहे हैं वो रेड रैग हो गए हैं, जैसे बुल गर्भी खान से रेड रैग देखें, ये कोई अपना वो सवात वाला लड़का और ये लौंडा लारी जो इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, दे लुक वेरी ऑड सी पचगाना किस्म की बातें करते हैं, और जितना वो ज्यादा आ रहे हैं उतनी नफरत ज्यादा पैदा होती जा रही है। यानी सर आवाम का इत्मीनान जो है इमरान खान को हासिल नहीं है। गेल वो अपने आप को पीएचडी कहता है, मैंने अमेरिका में टेलीफोन किया उसी शिकागो में जहाँ ये रहता, उन्होंने कहा जी ये पीएचडी है ही नहीं। तो मतलब किस किस्म के लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया है। दिस इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, it's a very viable country, it's a huge country, it requires dynamic leadership. तो चीज ये है कि क्राइसिस होता है, लेकिन क्राइसिस में फिर आपको एक विंस्टन चर्चिल दरकार होता है। मुझे कोई यहाँ विंस्टन चर्चिल लग रहा था। इत्मीनान जो है वो इमरान खान को हासिल नहीं है। डॉक्टर सज्जाद बुखारी से मैं आपकी तरफ आऊंगी कि जवाब दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मुख्तसर जवाब हो, हमारे पास और भी बहुत से पैनलिस्ट होते हैं। जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरे जितने बाकी पैनलिस्ट ने टाइम लिया मैं कोशिश करूंगा, मैं उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बात यह है कि आपने सवाल शाह महमूद कुरैशी साहब के कल जारहाना खिताब की भी बात आपने हवाला देते, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2 तीर तो सामने सामने चलाए, यानी 1 तीर से 2 शिकार तो सामने किए, लेकिन एक हिडन था, डार्क नाइट थी। तो वो बता सकते हैं कि वो तीसरा उन्होंने किसको इतने गुस्से में कहा कि नहीं देंगे इस्तीफा? पहले 2 मुहर्रिकात तो मैं वजूहात आपको मैं बता देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहला हिट किया बिलावल को, क्योंकि कुछ माजी की रंजिशें हैं, कुछ उनके जज्बाती इश्यूज भी हैं पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उनको निकाल दिया था, जो वजूहत थी वो पीपल्स पार्टी जानती है। दूसरे नंबर पर खान साहब ने जो है वो इमरान खान साहब की खुशनूदी हासिल करने के लिए बड़े जारहाना खिताब किया कि नहीं देंगे इस्तीफा, नहीं देंगे इस्तीफा। तो इस पर बार बार स्ट्रेस की जरूरत नहीं है आपको, जब अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है उनका इस्तीफा नहीं होगा, तो फिर आपको इतना जारहाना अंदाज अपनाने की जरूरत नहीं थी। अब बात जहां तक रही कि इमरान खान साहब ने कितना एतमाद, तो मुझे बड़ी अच्छी आज देख के खुशी भी हुई, और बल्कि मैं ये नहीं समझ कहना चाहता कि ये मेरे लिए कोई अच्छा नेक शगुन है, मैं नहीं चाहता, लेकिन जब मैं शुरू से ये बातें करता था, आज कसूरी साहब की गुफ्तगू भी मैंने सुनी, बशारत साहब की भी मैंने सुनी, अपने भाई वड़ाइट साहब की भी मैंने गुफ्तगू सुनी, तो चंद माह पहले जब मैं ये बातें आके यहाँ पर करता था तो मुझे क्यों कहा जाता था, किस लिए कहा जाता था कि आप थोड़ा सा वक्त दें। जिस तरह कसूरी साहब ने कहा कि आपके 90 डेज का प्लान था, लोगों को डायरेक्शन को, हम एनालिस्ट हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें तवीलुल मुद्दती और कलीलुल मुद्दती प्लान की समझ आ जाती है। देखें, जब आप एक तवीलुल मुद्दती प्लान, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाते हैं, तो जो आपके इनिशियली इकदामात होते हैं उससे समझ आ जाती है कि आप क्या करने जा रहे हैं। एतमाद आपने अवाम का क्यों खोया? एनर्जी सेक्टर पे आपने जो काम किया, आप अवाम को इस हकायक से आगाह करें कि आपने प्रोडक्शन को मान लिया, डिस्ट्रीब्यूशन आपने नहीं की, यानी जो आपके हिस्से का काम था ट्रांसमिशन लाइन का, वो आपने नहीं किया। माफिया 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 माफिया, अगर ये माफिया इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है, तो क्या हम इसको ये समझे कि अब हम माफिया को हुकूमत दे दें कि माफिया हुकूमत करे? जी जी। आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। पेट्रोल गायब हो गया, माफिया।
अच्छा जी, ओगरा जिसके बारे में हमें ये तफसीलात पता चली थी कि उसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है, बाइख्तियार कर दिया गया है, कहाँ है ओगरा की समरी? आपने 3 दिन का इंतजार नहीं किया और आपने 25 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, क्योंकि आपको ये बताया गया था कि अगले 2 माह तक आपको पेट्रोल नहीं मिलना। धमकियां किस तरह मौसूल हुई? ये तमाम कंपनीज हैं। तो खुदारा आप ये बार बार माफिया माफिया की बात ना करें। आप बाइख्तियार हुकूमत हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, यू आर स्टेट, और स्टेट के मुंह से, हुकूमत के मुंह से ये बातें सुनते हुए बड़ा अजीब लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कल जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने जज्बात का इजहार किया, अपने एहसासात का इजहार किया, तो मुझे लगता है जिस तरह शाहजैन बुगटी को अलहदा बुलाया उन्होंने, असलम भूतानी साहब को अलहदा उन्होंने बुलाया, फिर बशारत चीमा साहब का एक इशाया खान साहब का था, और एक नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हट रहा, एक इशाया वो था जो कि खान साहब की तरफ से था, एक इशाया था जो बशारत चीमा साहब की तरफ से था, काफ लीग वालों का। ये गुस्सा था जिसका इजहार शाह महमूद कुरैशी साहब अवाम के बारे में क्या राय रखते हैं, वो एतमाद करती है इमरान खान पर या नहीं करती? ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा कि अवाम एतमाद नहीं रखती, और ये भी कह देना कि अवाम एतमाद रखती है, मेरा हाँ या ना में इसमें जवाब बनता नहीं है, क्योंकि उनको वोट मिला है, मैंडेट मिला है, अब भी बहुत सारे लोगों को इस चीज का इंतजार है कि शायद कुछ हो जाए। नाज़रीन, जो पैनलिस्ट हैं ये भी आवाम से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और आपने इनका तजिया सुना है कि किस तरह से सभी का जो है वो यही कहना है कि हम आवाम जो है वो इमरान खान पर एतमाद नहीं करती। यही सवाल मैं लेकर चलूँगी जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब की तरफ। सर, क्या समझते हैं आप? बहुत सारे लोग हम सुनते हैं जो ये कहते हैं कि एतमाद नहीं रहा, पास कहते हैं एतमाद है, ये तो बड़ा वाज तौर पर नहीं कहा जा सकता। जो सर्वे किए जाते हैं वो भी इतने नहीं होते, आप कह लीजिए कि रिलायबल नहीं होते। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पब्लिक में कभी कोई ऐसा एहतजाज नहीं देखा, कभी हमने ऐसा किस्सा नहीं देखा जहां हुकूमत के खिलाफ बड़ी वॉयलेंट किस्म की एजिटेशन चल रही हो और लोग मुतालबा कर रहे हो कि जी इसको निकालें। तो उससे लगता यही है कि एतमाद किसी हद तक मौजूद है। अगर एतमाद ना होता तो मेरा ख्याल है आवाम इनको सड़कों के ऊपर आके एहतजाज करती नजर आती, वो हमें चीज नजर नहीं आई। लेकिन एक चीज वादे है कि जो आपको बहुत ज्यादा एहतजाज या सियासतदानों की तरफ से नजर आता है, जो बहुत ज्यादा इस पर बातचीत होती है हमारे मीडिया में या सियासतदानों में, वो डायरेक्टेड है, उसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट मौजूद है। वो क्या है? मीडिया में प्रॉब्लम लोगों का है कि इमरान खान मीडिया को बिल्कुल पैसा खाने से एक तरह से ड्राई करके रख दिया है। नतीजा ये कि आज हाउसेस के हालात बड़े खराब हैं, उनके पास जो पैसे की फरानी गवर्नमेंट के खजाने से होती थी वो नहीं है, तो कई रो रहे हैं। इसी तरह सियासतदानों का मसला है, अक्सर लोग वो अपने करप्शन के केसेस में उलझे हुए हैं, वो कि इमरान खान की परफॉर्मेंस वहां इतनी अच्छी नहीं है कि उसने नैब को कोई रिफॉर्म किया और नैब परफॉर्म करो, नैब नहीं परफॉर्म करा, कोई सजाएं नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो है वो चूंकि नैब को भुगत रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है, इल्जाम मौजूद हैं, तो वो नहीं चाहते कि इमरान खान कामयाब हो। लिहाजा इस वजह से आप नजर आता है कि कुछ लोग हर वक्त वावेला मचाते रहते हैं, लेकिन आवाम मेरा ख्याल मामला को समझते हैं, और कोई ऐसा मुझे कोई ऐसा रुख नजर नहीं आता जहां लोग चाहते हो कि इमरान खान को हटा दिया जाए। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वैसे भी चाहिए कि कोई भी हुकूमत आए वो अपने 5 साल पूरे करे और उसके बाद जज की जाए। यानी आप समझते हैं जवाब जो वो हाँ में है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। तो अगला सवाल जो मैं करना चाहूंगी अपने पैनलिस्ट से वो ये है कि पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके हवाले से मुश्किलात जो हैं वो तो उन लोगों के लिए जिनके पास मोटरसाइकिल है, जिनके पास गाड़ी है, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जो एक गरीब तबका है, जो एक गुर्बत की लकीर से भी जो है वो नीचे है, वो किस तरह से गुजारा करेगा? क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो दालें, सब्जियां, हर चीज महंगी होगी। मैं अपने पैनलिस्ट से ये सवाल करना चाहूंगी कि आप समझते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से या जो नया बजट पेश किया गया है उस हवाले से महंगाई की नई लहर जो है वो आएगी या नहीं आएगी, आप क्या राय रखते हैं? डॉक्टर बशारत साहब, आपकी तरफ आ रही हूं। जी देखें, बात यह है कि पेट्रोल और डीजल और मिट्टी का तेल, इस तरह की हर चीज की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो महंगाई की सूरत में आवाम पर आएगा और गरीब लोगों पर आएगा ज्यादा, क्योंकि मोटरसाइकिल उसके पास नहीं है तो किसी तरीके से बसों में जाता होगा या वैगनों में जाता होगा या और कोई
तरीका इस्तेमाल करता होगा अपने काम पर जाने के लिए, तो उसके किराए बढ़ जाएंगे। उसके बाद जैसे आपने खुद कहा कि जो भी अजनास हैं, अब जो के चीज़ें आती हैं वो कराची से ऊपर मुल्क में जहाँ भी जाएंगी उस पर वो ज़ाहिर के डीजल वाले ट्रक्स पर जाती हैं, तो उन सब चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। फिर बड़ी अजीब किस्म की तौजीह पेश की है ये गिल साहब ने, और ये बहुत ज़्यादा उसको डिफेंड कर रहे हैं हर चैनल पर आकर कि जी क्योंकि हिंदुस्तान में कीमतें ज़्यादा हैं तो हमने भी ज़्यादा कर दी हैं। भाई हिंदुस्तान में जो गाड़ियाँ हैं, जो जैपनीज कारें हिंदुस्तान में जिस कीमत की बिकती हैं आपकी मुल्क में उससे डबल कीमत बिक रही हैं, वो तो कभी आपको ख्याल नहीं आया। हिंदुस्तान में जो दवा ब्लड प्रेशर की दवा है वो 100 रुपए की बिकती है, वो आपके मुल्क में 700 रुपए की बिकती है, आपको ये तो कभी ख्याल नहीं आया। हिंदुस्तान में और क्या कुछ जो है, वहाँ डॉक्टरों की तनख्वाहें कितनी हैं जो कि हाउस जॉब के लिए जाते हैं, और आप इनको कितनी तनख्वाहें देते हैं कि रोज ये हड़तालें करते हैं हिंदुस्तान से, फिर और चीज़ें भी कंपेयर करें आप। लेकिन बात यह है कि आपने ये मिनी बजट जो है, बजट पास होने से पहले आप ले आए, ये मिनी बजट है, यानी बजट पास होने से पहले असेंबली में आपने एक मिनी बजट लिया है। फिर जो समरी है वो ओगरा की तरफ से भेजी जाती है, ओगरा ने कोई समरी नहीं भेजी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की अपनी समरी पे और ये कीमतें बढ़ा दी गई हैं। एडवाइजर टू द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बार बार ये कह चुके थे, 2 महीने पहले आकर उन्होंने टीवी पर कहा था जब उनसे पूछा गया कि सारी दुनिया में कीमतें जो हैं वो बहुत गिर गई हैं तेल की, आपने क्यों नहीं गिराई, बल्कि 3 महीने पहले की बात। उन्होंने कहा कि बात यह है जब कीमतें गिरती हैं उसका इम्पैक्ट 2 महीने के बाद आता है, 45 days पहले से तेल खरीदा होता है, तो अब जब हम नया तेल खरीदेंगे उसमें नई कीमत जो आएगी उसके हिसाब से आवाम को हम वो कीमत चार्ज करेंगे। तो अगर ये बात थी, और फिर अब जब कीमत बढ़ी है तो आपने फौरन बढ़ा दिया, आपने 3-4 दिन इंतजार भी नहीं किया, वो 2 महीने का वो किधर गया जो आपके पास तेल पड़ा होता है, जो आपने खुद टीवी पर आकर कहा था, हर चैनल पर कहा था। बात यह है कि आपने गरीब लोगों को बिल्कुल खत्म कर दिया, आपने मिडिल क्लास को तो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। मिडिल क्लास जिसमें सारे प्रोफेशनल्स हैं उनकी तो कोई वैल्यू नहीं रह गई, 90% महंगाई की जो है वो नई लहर आ रही है पीछे, महंगाई की इंतहाई खतरनाक लहर जो जब से अच्छा पहले तो माजर चुके हैं, मेरे से बोला नहीं जाता इसलिए मुझे बोलते हैं तो हटाना पड़ता है ये मास्क, उसके लिए माजरत। देखिये मेन चीज ये है कि हमारी जो मशीनरी है इस वक्त जो गवर्नमेंट की मशीनरी है जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, इनके को बकायदा इनके कंट्रोल्स नहीं हैं, बकायदा मैनेजमेंट नहीं हो रही है, या वो कॉपरेट नहीं कर रहे शायद। उसमें देखिए कि जब कीमतें कम हुई थी उस वक्त किराएं की कीमत कम नहीं हुई, बाकी जो कमोडिटीज़ जिनकी कीमतें बढ़ गई थी पहले कीमतें चूँकि ज़्यादा थी पेट्रोल की और डीजल की, तो उस वक्त जो है जो रेट्स बन गए थे किरायों के अपना आप कह लें और बाकी आटा दाल जो भी उसकी लॉजिस्टिक जो भी उसके ऊपर एक्सपेंस आता है, अच्छा अब वो बढ़ गई थी, जब ये कीमतें डाउन की गई तो उसको नीचे नहीं किया गया, वो कीमतें वहीं पे रही, वो किराए वहीं पे रहे। अब क्या हुआ, अब ये 25 रुपए जब अचानक पेट्रोल के अंदर बढ़ा दिए, कि बाकी मैं इस पेट्रोल का जिक्र करता हूँ बाकी बढ़ा है, अब उसके अंदर जब बढ़ गया है तो अब वो तो कीमतें वहीं पे हैं, किराए वहीं पे, आपने देखा होगा कि मुख्तलि सूबों के अंदर मुख्तलि ट्रांसपोर्टर्स ने अपने तौर पर किराए बढ़ा दिए। अच्छा अब यानी पहले वो नीचे नहीं किए उन्होंने, वो फायदा ट्रांसपोर्टर उठाते रहे और अब जो है कीमतें जो बढ़ गई हैं तो वो दोबारा फायदा उठा रहे हैं उसका। तो एक तो ये है कि ये जो हुकूमत वजह जो इनका जो इफेक्टिवनेस है, जब तक किसी भी हुकूमत को चलाने के लिए किसी भी स्टेट को चलाने के लिए जो उनकी ब्यूरोक्रेसी होती है, स्पेशली लोअर ब्यूरोक्रेसी जो होती है जिसमें SHO होता है पुलिस का, जिसमें मजिस्ट्रेट्स होते हैं, तहसीलदार होते हैं, जिन्हें ग्राउंड लेवल मार्केट कमेटियां होती हैं, वहां जाकर उनको कीमतों को कंट्रोल करना होता है, वहां पे ये बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, या तो वो कॉपरेट नहीं कर रहे या इनके ऊपर जो मैनेजर्स बैठे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं रेलिवेंट जो सूबों के अंदर भी हैं, उनके बाद फिर आप देखिए कमिश्नर बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर्स बैठे हैं, वो या तो इसको सही तरीके से कर नहीं रहे, इफेक्टिवली कर नहीं पा रहे, या क्या वजह है, क्या उसमें प्रॉब्लम है। अब जाहिर बात है कि जब आपने 25 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, इसी तरह बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑयल प्रोडक्ट्स उसकी जो कीमतें बढ़ी है, इसकी वजह से अब जो किराए हैं वो तो अचानक बढ़ा ही लिए ना उन्होंने, खुद से ही बढ़ा लिए, चाहे सारे सूबों से पता चल रहा है, KP के वे सबसे पहले बढ़े हैं, उसके बाद पंजाब में भी चल रही थी बात, सिंध के अंदर भी चल रही थी। अच्छा इसके साथ साथ अब जाहिर बात है उसके ऊपर फिर कास्ट आएगी, जब वो आटे दालें या जो सब्जियां या जो भी चीजें वहां पर ट्रांसपोर्ट होकर आएंगी उसकी कीमत भी बढ़ेगी, अब वो बर्डन किस पे जाएगा, अवाम के ऊपर। अवाम के साथ अवाम के साथ हमने किया, किया एक 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 मैं सेंटेंस बोलूंगा कि देखिए जो सरकारी मुलाजम है या वो उनको तो तनखा ही नहीं उनकी बढ़ी ना, उनको तो और नुकसान हो गया ना, उनकी तनखा जो पहले से भी कम हो गई, अब ये मजीद कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजम है जिसमें मजदूर तबका है, जो कोरोना की वजह से जो जॉब से हटे हुए हैं,
अब वो बेचारे किधर जाएंगे। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है महंगाई का, इसकी तरफ फोकस करें और ब्यूरोक्रेसी को यूज करें। जी आप जो इनपुट देना चाहते थे वो पहुंच चुके, आपका जवाब जो है वो हाँ में है। मैं अहमद रजा कसूरी साहब की तरफ आऊँगी। सर क्या समझते हैं आप, और यही सवाल मैं आपसे करूँगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से जो है वो महंगाई की एक नई लहर जो है वो आएगी या नहीं, क्या इनपुट रखते हैं आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो ऑयल की जो कीमत बढ़ी है जी, नेचुरली से ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो तमाम सब्जी वब्जी तमाम गंदम वंदम सब सब ट्रकों पर आ रही है, तो वो कीमत डालेंगे अपने किराओं किराए पर, बढ़ते किरायों की उसके अंदर कीमत में, तो हर चीज महंगी होगी। लेकिन यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप पढ़े तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ इट वॉज अ रेवोल्यूशन ऑफ प्रोलेटेरियट अगेंस्ट द बूर्जुआजी क्लास, और वहाँ एक फिक्रा बड़ा मशहूर हुआ था फ्रांस के अंदर कि फ्रांस में 9/10 यानी 10 में से 9 लोग जो हैं वो गुर्बत से मर गए, भूख से मर गए, और जो दफा जो थी अपने क्लास जो थी 10th में वो बदहजमी से मर गई, उनके पास इतने पैसे थे कि वो बदहजमी से मर गई, रेवोल्यूशन ने उनको उनको स्नैप स्नैप कर दिया। तो उसका एग्जैक्ट जो है फ्रेंच हिस्ट्री में उसका जिक्र है कि इन फ्रेंच रेवोल्यूशन 9/10 पीपल डाई विद हंगर एंड द 10th डाइड विद इनडाइजेशन। फिर दूसरी बात है कि वहां एक और एक फिक्रा बड़ा मशहूर हुआ कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस को जुकाम लग जाए तो उसकी जो जो उसको छींकें आनी शुरू हो जाए तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है। ये दिस इज ट्रू इन पाकिस्तान अबाउट कराची, व्हेन कराची स्नीजेस द होल पाकिस्तान कैचेस कोल्ड, क्योंकि कराची एक ऐसा गरीब परवर शहर है कि पाकिस्तान का कोई गांव नहीं है जहाँ के 2-4 आदमी वहाँ आबाद नहीं है, तो वहां से जो खबर निकलती है वो पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है वहां के डिस्टर्ब कंडीशन की। तो ये जो हम जिस तरफ जा रहे हैं ये मुझे मुझे इसी इग्निशन मुझे कहीं से नजर अब हो गई तो ये बारूद फट जाएगा पाकिस्तान की हर गली के अंदर, फ्रस्ट्रेशन का और डिस्पेंडेंसी का बारूद बिखरा पड़ा है। इट जस्ट नीड एन इग्निशन, वो इग्निशन कहीं से हो गई तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। अयूब खान के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन थी तो एक अपना हमीद था रावलपिंडी का स्टूडेंट, वो मारा गया तो आई वॉज एट दैट टाइम इन द पीपल पार्टी, इसको हमने हाईलाइट किया और वहां से जो मूवमेंट स्टार्ट हुई वो अगले 3-4 महीने में इस्तेमाल पजीर हुई ऑन 26th of March 1969 एंड अयूब खान हैड टू स्टेप डाउन। तो पोजीशन ये है कि ये मैं तो स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री भी हूँ और मैं 50 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ, लोगों ने तो बातें जो कर रहे हैं जो सुनते हैं वो कोई किताबों से पढ़ के कोई एडिटोरियल पढ़ के, मैं ना एडिटोरियल पढ़ रहा ना किताबें, मैं मेरी तो छाती के ऊपर पूरी पाकिस्तान की तारीख, आई एम ए लिविंग हिस्ट्री इन दिस कंट्री। फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ पाकिस्तान टू दिस डेट मुझे पाकिस्तान के हालात बहुत बिगड़ू लगते हैं, क्योंकि मैंने एक फिक्र पढ़ा था बच्चों ने, इग्नोरेंस इज ए ब्लिस, मैं कहता था कि इफ नॉलेज इज अ पावर हाउ कैन इग्नोरेंस बी अ ब्लिस। जो लोग इग्नोरेंट है जिनको पता ही नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है वो बड़ी बड़ा खुशी से और इत्मीनान से सोते हैं, लेकिन जिनको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है इतने ही वो आपको परेशान नजर आएंगे, क्योंकि मुल्क के अंदर जो डिस्पॉन्डेंसी और ये जो हालात हैं वो बिखरे पड़े हैं। तो आपका सवाल भी और फिर उसका जवाब नजर नहीं आ रहा गवर्नमेंट ऑफ द डे से, दे आर अटर फेलियर। प्राइम मिनिस्टर के लिए दो चीजों का होना बड़ा जरूरी होता है कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी एन एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, एंड सिमल्टेनियसली ही शुड बी एन एक्सलेंट इकोनॉमिक मैनेजर। बिल्कुल सही आपका जवाब भी है सर, आप पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये दोनों चीजों का योगदान है, तो मुझे नहीं लगता कि जी ये कोई काम चलता हुआ नजर दिया था। जी बहुत शुक्रिया सर, आपका जवाब भी जो हमें आ चुका है। सेम क्वेश्चन विद यू सर।
जी बहुत शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ कि बशारत चीमा साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है, मैं उनकी गुफ्तगू की तरफ तवज्जो आपकी मबजूल करवाना चाहूँगा। उन्होंने जो पॉइंट्स बोले हैं शायद हमने उसे सुना नहीं गौर से, ना उसे समझना चाहिए। बशारत चीमा ने बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से अपने गुफ्तगू के दौरान उन्होंने उन 45 डेज का जिक्र किया, जो 2 मंथ के थे 45 डेज थे, बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की कि जब $74 पर बैरल से ये आलमी मार्केट में $10 पर बैरल तक आया और उसके बाद माइनस में गया, इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, यानी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि आप माइनस तक चला गया, वो रिजर्व आए, ठीक है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि उसका इम्पैक्ट, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, या एक आम आदमी तक क्या उसका फ़ायदा पहुँचा? किसी को इस तरफ ख्याल नहीं आया कि जब आपकी आलमी मार्केट में फ्यूल की प्राइसेस कम होती हैं तो उसके साथ साथ दालें और खुर्दनी तेल की कीमत कम होती है, तो क्या पाकिस्तान में दालों की और खुर्दनी तेल की कीमत कम हुई इतने अरसे में? नंबर वन। नंबर टू, ये जवाब दिया गया कि जी 45 डेज लगते हैं इसलिए हम फौरी तौर पर इतनी कीमतें कम नहीं कर सकते, तो क्या उस 45 डेज के बाद वो फायदा आवाम को पहुंचा? क्वेश्चन नंबर टू। तीसरी बात यह कि जी आप खुद कहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इसलिए ज्यादा है कि हम जो है अभी तक फर्नेस आयल पर बिजली बना रहे हैं, यानी प्रोडक्शन हमारी फर्नेस आयल पर है। अच्छा जी, इंपोर्ट भी एक बहुत बड़ा गुनाह था कि इंपोर्ट करके आपने प्रोडक्शन हाउसेस बनाए, तो मेरा सवाल यह है कि क्या बिजली के नरखों में आपने कमी की? बिजली या एनर्जी में इसलिए आवाम को फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा डॉक्टर साहब कि इन्होंने IMF के साथ एक डील की है, और IMF के साथ जब आप डील करते हैं तो वो आपको सब्सिडी से रोक देता है, आपको एनर्जी सेक्टर में, आपको गैस में, इन तमाम चीजों में रेट बढ़ाने पड़ते हैं। अब आप ये मजबूरी के तहत करें, लेकिन आप आवाम को नहीं बता रहे। स्टेट बैंक की खबरें आपको आ जाएंगी, आज भी खबर आई कि $1.5 बिलियन जो है स्टेट बैंक को मिल गए, लेकिन आप आवाम को ये क्यों नहीं बता रहे कि इसका फायदा हमने आवाम को नहीं पहुंचाया? जिन दिनों में 3 माह तक ये माइनस में रहा या $10 पर बैरल तक रहा, तो वो रिजर्व्स किधर गए? वो जो आपकी इनकम थी वो किधर गई? ये पैसा आखिर गया कहां? एक और दूसरी बात है, मुझे बड़ी हैरत होती है, हाई ऑक्टेन पर किसी ने बात नहीं की, यानी पेट्रोल कम होता है, क्या हाई ऑक्टेन जो है वो कोई और बला का नाम है? हाई ऑक्टेन भी तो फ्यूल है सर, वो हाई ऑक्टेन आवाम की पहुंच से दूर है ना, वो उसकी उसकी प्राइस कम क्यों नहीं हुई, उसका फायदा किसको पहुंचा, क्या ये बताया जा सकता है? और ये भी मैं आपको बताता चलूं, ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने लगा हूं कि ये पेट्रोल की प्राइसेस जब कम हुई थी तो एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे थी उस वक्त? जिस तरीके से हमारे वड़ाइक साहब ने फरमाया, इसको इंतजामिया कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, प्राइस कंट्रोल कमेटीज, ये गैर फाल थी। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, डिस्ट्रॉयड है, डिमोलिश है, उनको पता ही नहीं है कि आप जाके मार्केट में पता करें अगर पेट्रोल 120 से 70 तक ये 75 तक आया है तो क्या प्राइस उतनी कम हुई है? और शर्म नहीं आती इन ट्रांसपोर्टर्स को जिन्होंने फौरी तौर पर अभी पेट्रोल ₹25 महंगा और आपने किराए ज्यादा बढ़ा दिए, तो जब ये रिड्यूस हुआ था, कीमतें कम हुई थी, तो क्या ट्रांसपोर्टर्स ने जो है ना किराए कम किए थे? तो मैं ये समझता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर की तरफ हमारी फोकस होना चाहिए, प्राइस कंट्रोल कमेटी उसको फाल करना चाहिए, और ये जो पेट्रोल की किल्लत थी उसकी तहकीकात होनी चाहिए, आवाम इसका हिसाब मांगती है। और ये जो 25 रुपीज ओगरा की मशावरत के बगैर 3 दिन पहले बगैर समरी के आपने यकदम से आवाम पर ये पेट्रोल बम गिराया, क्यों? इसकी मुहर्रिकात आवाम के सामने आने आपका जवाब भी जब हमें आ चुका है। यही सवाल मैं जनरल रिटायर्ड अमजद शेर साहब से करूंगी कि सर क्या समझते हैं आप इस हवाले से? महंगाई की लहर के दो पहलू, पहली बात तो ये है कि ये पेट्रोल बहुत ज्यादा कीमत पे बिक रहा था और ये कम होता गया, आज भी ₹100 पे अगर लीटर है तो उस लिहाज से तो ज्यादा है कि जो हम ₹75 पे गए थे वो के मिलता नहीं था, लेकिन 100 से महंगा है। लेकिन ये भी तो हुआ है कि हम 130-131 रुपए का भी लीटर लेते रहे, तो उस लिहाज से जवाब तो कोई नहीं है किसी का कि यहाँ पे इसको महंगाई पड़ा। लेकिन जो दूसरा पहलू है महंगाई का, वो आप जहन में रखिए कि वो हमारे लोगों के अपने किरदार के साथ है। हम मेरा ख्याल है कि लोग जो है वो इस हद तक लालची हो चुके हैं कि किसी की मौत, जिंदगी, उसके लिए अगर कह दिया जाए कि जनाब ये कल से सना मक्की जो है ये बड़ी जरूरी है और इसको जिंदगी मौत के लिए ये जरूरी है, तो उसी पे मौत के व्यापारी पूछना चाहे, और आप देखेंगे कि सना मक्की की कीमत यहाँ पे ₹200 से बढ़ के तो वो 4,500 रुपए पे चलेगी। बिल्कुल सही है, सही है। अब इसमें पेट्रोल तो महंगा नहीं पता, लेकिन मुश्किल यही है कि लोग जो है हमारे मुनाफाखोरी से बाज नहीं आते, तो इन चीजों की वजह से ये हमें डिफिकल्टी जरूर है कि लूटमार यहाँ पे आप रमजान के महीने में देख लें, जी जी, लोगों को गुना बख्शाने चाहिए ना, लेकिन वो तमाम 4-6 गुना कीमतें बन जाती है। यही चीज आप देखें कि बाहर ये इस मुल्क है, लंदन किसी और मुल्क में चले जाए, वहां पर ये नहीं होगा, वहां मुसलमानों के रमजान के महीने में तेल लग जाता है, सही, लूटमार शुरू हो जाए।
तो ये कौमी किरदार का भी मसला है, जहाँ इखलाकी गिरावट की वजह से और दुनियावी मामलात में माल की लालच की वजह से लोग उस तरफ आते हैं और आम आदमी को भुगतना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास महंगाई की लहर सच तेल की कीमत बढ़ने से आएगी, वो अगर आई तो वो हमारे किरदार की वजह से आएगी जो मुनाफा हो रही है यहाँ पे और इसी की वजह। आपका जवाब जब नामे मेरे पास आ चुका है, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन हमारे पैनलिस्ट की जाए आपने जो है वो जानी है, और मैं अपने तमाम मेहमानों का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया, जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, जिनमें डॉक्टर बशारत हुसैन साहब और इम्तियाज़ हुसैन बड़ाइश साहब, अहमद रज़ा कसूरी साहब और डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, इसके साथ साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शेर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। रोज न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रह सकें।